जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को करते हैं हम सत सत प्रणाम। हाय गाइस, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय गाइस, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो संतान सप्तमी व्लॉग होने वाला है। आज मेरा फास्ट है संतान सप्तमी का, तो आप सभी को संतान सप्तमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने जिस दिन ये व्लॉग शूट किया था, तो सुबह हस्बैंड के लिए और आध्या के लिए टिफिन तो बनाना ही है मुझे, क्योंकि आध्या और मेरे हस्बैंड दोनों लोग स्कूल जाएंगे, और आध्या पढ़ने और मेरे हस्बैंड पढ़ाने। तो आलू उबाल लिए थे और पूरियां सेक दी थी। ये सबसे अच्छा रहता है लंच बॉक्स, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और मुझे भी बहुत आसानी रहती है। तो बस आज मैंने दो टिफिन में पूरियां पैक कर दी हैं, ये आलू फ्राई कर दिए हैं, ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर दिया है। थोड़ा सुंदर मुंदर भी दिखना चाहिए टिफिन जब खोले। तो खाना अगर देखने में सुंदर लग रहा हो तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा ही, अगर ना भी हुआ तो देख कर तो मन प्रसन्न हो ही जाएगा। सो दोस्तों, अभी ये मैं साड़ियाँ सेलेक्ट करने लगी हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। आज के दिन काफी साड़ियां मैंने निकाली, और ये डेली यूजेस वाली साड़ियां हैं जो कि मैं इस बैग में रखती हूँ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, बहुत गर्मी थी ना इस वजह से। तो ये पीला वाला ब्लाउज, हाफ ब्लाउज मतलब स्लीवलेस वाला, सो मैंने तो इसे पहनती हूँ और साथ ही साथ ये साड़ी पहनती हूँ। ये ग्रीन कलर की साड़ी है और इसका ब्लाउज जो है गोल्डन कलर का है, लेकिन येलो भी चल जाएगा, तो मैं ये ही पहनने वाली हूँ। एंड और सारी साड़ियाँ पैक करके रख दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं साड़ियों को पैक करके रख दूंगी और ये रेडी हो गई हूँ मैं फटाफट। देख लीजिए कैसी लग रही हूँ मैं, झुमके वगैरह भी पहन लिए हैं मैंने, मंगलसूत्र डाल लिया है, चूड़ियाँ लाल लाल पहन ली हैं और रेडी हो गई हूँ। पूरा लुक ऐसे आ नहीं रहा था तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को दिखाया है। तो कैसी लग रही हूँ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो आज के इस व्रत में 7 पूड़ियां चढ़ाई जाती हैं माता पार्वती को, और 7 पूड़ियां चढ़ाई जाती हैं उसके बाद वो 7 पूड़ियां यानी पूरी 14 पूड़ियां बनती हैं और 7 खुद खानी पड़ती हैं। तो आज के व्रत में केवल ये 7 पूड़ियां ही खा सकते हो, दही के साथ में या फिर सादा। तो यहाँ पे मैं 14 पूड़ियां भी सेक रही हूँ, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पूड़ियां भी सेक ली थी बच्चों के लिए, तो बच्चों ने भी बड़े चाव से खाया था। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आध्या स्कूल नहीं गई थी आज के दिन, मैंने उसे नहीं भेजा था क्योंकि मेरा फास्ट था और मैं उसे स्कूल से लेकर आ नहीं पाती, क्योंकि मैं दख को लेकर जाती तो बहुत थक जाती। तो शुरुआत में मैंने जो बोला था वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, अदरवाइज वो आज स्कूल नहीं गई थी। तो बहुत झटपट से सारी पूरियां मैंने सेक ली, मीठी पूरी है चीनी वाली और बन के तैयार हो गई है सारी पूरियां। तो अभी ये पट्टा डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं आसन डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं पूजा विस्तारूंगी, यहाँ पे मैं अपने शिव परिवार की जो प्रतिमा लेकर आई हूँ उनको विराजित करूंगी। तो अच्छत डाल सकते हो, मैंने फूल डाल लिए हैं और इस पे मैं प्रतिमा रखूंगी और फिर पूजा विस्तारूंगी। तो इसमें माता पार्वती भी हैं, इसलिए मैंने लाल चुनरी उढ़ाई है और पूरी पूजा है वो लगा दी है। और ये रही थाली जो कि 7 पूड़ियां है माता पार्वती की, जो कि हम गाय को खिला सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, पंडित को दान कर सकते हैं, तो या फिर कन्या को दान कर सकते हैं। तो और 7 मुझे खानी होती है। तो ये रहा मेरा मंदिर जो कि पूजा सुबह हो ही चुकी थी, और ये रहा मेरी जो पूजा अभी जो इस तारीख है हमने संतान सप्तमी की। तो महावर लगाया है पहले भगवान माता पार्वती को, गणेश जी को, सबको, फिर मैंने महावर लगाया है और फिर उसके बाद मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। तो बस पूजा कर रही हूँ। ये पूजा मैं आध्या के जन्म के बाद से स्टार्ट की है। कुछ महिलाएं जिनके बच्चे नहीं है वो भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं,
बच्चे की प्राप्ति के लिए। तो ये मैं भी आप लोग में से जो लोग रहती हैं और जो लोग नहीं रहती हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ रहो, संतान प्राप्ति के लिए रह सकते हैं, या फिर संतान आपकी है, कोई भी बेटा बेटी जो भी, अगर आपकी कोई भी संतान है तो आप रहते रहिए। इसमें महत्व चूड़ी जो होती है चांदी की, उसका महत्व होता है, खुली हुई चूड़ी होती है। और अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो एक धागे में 7 गांठे लगाकर रख दीजिएगा, और उसको जो हवन कुंड है, जो आप हवन जलाएंगे, उसमें थोड़ा सा धुपा लीजिएगा, और उसके बाद आप इसको अपने सीधे हाथ में पहन लीजिएगा या फिर गले में पहन लीजिएगा, और इसको पूरे 7 दिन या 16 दिन पहना जाता है, मुझे ध्यान नहीं है सही तरीके से, लेकिन मैं फिर भी 16 दिन पहन लूंगी इसको। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा है वो हो रही है, जितनी विधि विधान से मुझे आता है उतनी विधि विधान से पूरी श्रद्धा भाव से पूजा कर रही हूँ। कोई भी पूजा हो, हवन का बहुत महत्व होता है। जब हम भगवान को कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो वैसे तो वो भाव के भूखे हैं, खुशबू मात्र लेते हैं और उस प्रसाद में बहुत सारा स्वाद आ जाता है। लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जब हम हवन करते हैं, उसमें जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो अग्नि के द्वारा भगवान वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है छोटी या बड़ी पूजा हो तो हवन जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए हमारी पूजा है वो हो गई है, पंचामृत भी मैंने बनाया है, तो मैं दिखाना बताना भूल गई। ये थोड़े से अच्छा तो फूल लेकर मैं हाथ में लेकर बैठी हूँ और कथा सुन रही हूँ। मैं YouTube में ही कथा लगा लेती हूँ, कोई जब सुनाता है बैठकर तो सुनने में और समझने में बहुत आसानी रहती है, तो मैं YouTube में इस तरीके से लगा लेती हूँ। आजकल तो सभी लोग ऐसा करते होंगे, तो बस इस तरीके से कर ली है और आरती कर ले रही हूँ यहाँ पर गणेश जी की, शिव जी की। पूजा संपन्न होने के बाद मैंने आध्या को टीका किया, फिर दक्ष को टीका किया, फिर दोनों बच्चों ने भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और फिर आप लोगों को भी नमस्ते किया। क्लिप आप देख रहे हो, ये काफी देर की है और करीबन यहाँ पर अभी 3:30 बज रहे होंगे। मैंने साड़ी उतार दी है, ये मेरा नया काफ्तान आया है, मैंने मीशो से ऑर्डर लगाया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल था, तो मैंने ये डाल लिया है। अपना जो मैं लोवर सुबह पहनी थी, लोवर टॉप, उसका टॉप मैंने नहीं पहना है, लेकिन मैं थोड़ी देर ही डालूंगी, फिर मैं वही पहन लूंगी जो मैं पहने थी। तो बस शाम का टाइम है और आध्या की जो ये अलमारी है जिसमें ऊपर वाली ड्रॉज में आध्या के कपड़े लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा बिखर चुके थे, तो मैंने आध्या से बोला अपनी अलमारी ठीक करो, और फिर वो फटाफट से लग गई ठीक करने में। तो उसने सारे कपड़े तय लगा लिए बड़े कायदे से। बहुत अच्छा लगता है जब आपका बच्चा अपनी अलमारियां, अपनी चीजों को अच्छे से रखने लगे, तो बस वो थक भी बहुत गई थी। तो बस शाम के टाइम पे बच्चों का और मेरे पति देव का भुट्टा खाने का बड़ा मन किया था, क्योंकि भूख तो उन्हें लग नहीं रही थी, क्योंकि दक्ष और आध्या ने भी मीठी पूरियां खा ली थी, रखी हुई थी मेरे पास, और फिर हस्बैंड का भी इच्छा नहीं हो रही थी। जिस दिन वो पूरी वगैरह खा लेते ना, उनको ना गैस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, तो स्कूल में आज उन्होंने पूरी ही खाई थी इस वजह से, तो उनको भी भुट्टा ही दिया था। मैंने 2 भुट्टे भूने थे, एक पहले अभी भूनना है, एक मैं बाद में भूनूंगी। भुट्टे में थोड़ा सा नमक और नींबू लगा दो ना तो स्वाद और अच्छा लगता है। किस किस को भुट्टा पसंद है मुझे बताना, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को बेहद पसंद है।
एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई, हस्बैंड जी शाम को गए थे मार्केट राशन का कुछ सामान लेने, जो कि लोकल मार्केट से ही इनको लाना था। तो आप देख सकते हो क्या क्या है, लैया वगैरह है, मैगी वगैरह है, दक्ष की खांसी की सिरप भी लेकर आए हैं, साथ ही साथ दलिया खत्म हो चुका था वो भी लाए थे, और सूजी के 2 पैकेट। कल मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर, इसके लिए लेकर आए हैं, एंड ये बर्तन धुलने वाला, ये बूंदी खत्म हो चुकी थी वो, और ये सांभर मसाला, इसके बिना सांभर कैसे बनेगा, और ये चने काले वाले, और ये उड़द की दाल, ये मूंग की दाल, और ये अरहर की दाल जो सबसे ज्यादा खाई जाती है हमारे यहाँ, और ये नारियल, तो चटनी तो बनेगी ही नारियल की, और साथ ही साथ बिल। तो हो गया ना पूरा सामान। हाय गाइस, तो अभी हो गया है रात का टाइम, रात के 9:30 बज रहे हैं, और सारा काम निपटा कर मैं अभी फ्री हुई हूँ, और आज खाना नहीं बनाया है रात को। आलू उबले हुए रखे हुए थे, फ्राई हुए भी रखे हुए थे, बस रोटियाँ या पूरी सेकनी थी, और रायता बना देती बूंदी का, तो ये लोग खा लेते, अभी कुछ भी जो भी कहते हो खा लेते, मैं बना देती, लेकिन इन लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उनका पेट ठीक नहीं लग रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं भुट्टा खाऊंगा केवल। तो चाय नाश्ता किया था शाम के टाइम पे, फिर भुट्टा खा लिया, उनका पेट भर गया, बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया भुट्टा, और बच्चों ने मीठी पूरियाँ भी बनी हुई रखी थी, तो बच्चों ने 2-2 मीठी पूरियाँ भी खा ली, उनका उससे हो गया, मैंने अपना कर लिया, मीठी पूरियाँ साथ खानी थी वो खा ली, गाय को खिलाई हूँ सारी, मतलब शाम की पूजा आरती वो भी हो गई थी, सब चीज़ें सही से कर दी हैं मैंने। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये ड्रॉज जो धुली थी ये खाली है सारी, इनमें कपड़े मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आज ये काम सोचा था दोपहर में करने को, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करती रही, बच्चे भी उस कमरे में है, तो मैं फटाफट से ये काम निकाल लेती हूँ, फिर जब बच्चे सो जाएंगे फिर मैं एडिटिंग करूँगी, और बस अभी दूध उबलने के लिए रख के आऊँ, रख कर आई हूँ दक्ष के लिए, ठीक है, और मुझे दही भी जमाना था, तो दही के लिए भी दूध गर्म करके आई हूँ, वो ठंडा हो जाए हल्का सा, मतलब इतना हो जाए कि तपन सा रहे, तब मैं उसको दही डाल के जमा दूँगी, बस फटाफट से इसको फटाफट से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो बस आधा घंटे के अंदर अंदर मैंने सारे कपड़े तय लगा के ये ड्रॉस को कम्प्लीट कर दिया है, एक में दक्ष के सेट हैं, एक में पैंटीज हैं, इसमें डगा में हम लोगों वाले रहते हैं, इसमें डाइपर्स, तो बस ये हो गया है पूरा तैयार, और अब हम जा रहे हैं सोने। तो ये देखिए दक्ष और आद्या की मस्ती, प्यार, सारी चीजें हो रही है, मेरा भाई मेरी बहन मेरी बहन। तो दोस्तों बस इसी के साथ आप सबसे लेते हैं विदा, इस वीडियो को यही करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।